प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। भारत में हमने दूरसंचार को सिर्फ संपर्क का माध्यम ही नहीं बल्कि समानता और अवसर का माध्यम भी बनाया है। हमने डिजिटल इंडिया के 4 स्तंभों की पहचान की और 4ों स्तंभों पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें परिणाम मिले। हम दुनिया को चिप से लेकर तैयार उत्पाद तक पूरी तरह से मेड इन इंडिया फोन देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत ने महज 10 वर्षों में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 8 गुना है। आगे और क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आए सुनते हैं। 21वीं सदी में भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच भी दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। मुझे याद है जब मैं 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने रख रहा था तो मैंने कहा था कि हम टुकड़ों में नहीं बल्कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होगा। तब हमने डिजिटल इंडिया के 4 पिलर्स की पहचान की थी। पहला, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एक गंभीर विषय दुनिया के सामने रखा था। इस विषय को मैं WTSA जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के सामने भी रखना चाहता हूं। ये विषय है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्लोबल फ्रेमवर्क का, ग्लोबल गाइडलाइंस का। अब समय आ गया है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इसके महत्व को स्वीकारना होगा। टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। हम जानते हैं हमारा अनुभव, जैसे हमने एविएशन सेक्टर के लिए एक ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाया है, वैसे ही फ्रेमवर्क की जरूरत डिजिटल वर्ल्ड को भी है। और इसके लिए WTSA को और अधिक सक्रियता से काम करना होगा। मैं WTSA से जुड़े हर सदस्य को से कहूंगा कि वो इस दिशा में सोचे कि कैसे टेलीकम्युनिकेशन को सभी के लिए सेफ बनाया जाए। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में सिक्योरिटी किसी भी तरह से आफ्टर थॉट नहीं हो सकती।
भारत के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक सेफ डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। मैं इस असेंबली के सदस्यों से कहूंगा, आप ऐसे स्टैंडर्ड बनाएं जो इंक्लूसिव हो, सिक्योर हो और भविष्य के हर चैलेंज के लिए एडेप्टेबल। आप एथिकल एआई और डेटा प्राइवेसी के ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाएं जो अलग अलग देशों की डाइवर्सिटी का भी सम्मान करें। साथियों, ये बहुत जरूरी है कि आज के इस टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन में हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमन सेंट्रिक डायमेंशन देने का निरंतर प्रयास करें। हम पर ये जिम्मेदारी है कि रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल हो। आज हम जो भी स्टैंडर्ड सेट करेंगे उससे हमारे भविष्य की दिशा तय हो। इसलिए सिक्योरिटी, डिग्निटी और इक्विटी के प्रिंसिपल्स हमारी चर्चा के केंद्र में होने चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि कोई देश, कोई रीजन और कोई कम्युनिटी इस डिजिटल युग में पीछे न रह जाए। हमें सुनिश्चित करना होगा हमारा भविष्य टेक्निकली स्ट्रांग भी हो और एथिकली साउंड भी हो। हमारे भविष्य में इनोवेशन भी हो, इंक्लूजन भी हो।